हमारे देश में आए दिन नए ट्रेंड्स आते हैं और जाते हैं, पर कुछ ट्रेंड्स इतने घटिया होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, और हमारे देश के लोग ऐसे ट्रेंड्स को आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको इंडिया के 4 सबसे घटिया ट्रेंड्स बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सोनू तुझे माझ्यावर भरोसा ने के, ये एक साउथ इंडियन सॉन्ग है जिसकी लिरिक्स को लेकर कुछ साउथ इंडियंस ने वीडियो बनाई थी और फिर साउथ इंडिया में इस चीज का ट्रेंड चल गया। पर ये ट्रेंड बस साउथ तक ही नहीं रहा, कुछ लोगों ने इसका हिंदी वर्जन बनाया, उसके बाद ये ट्रेंड पूरे देश में ही बीमारी की तरह फैल गया और फिर हर जगह बस यही सुनने को मिल रहा था कि सोनू तूने मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया। सोनम गुप्ता बेवफा है, किसी मंचले आशिक या प्यार में धोखा खाए हुए आशिक ने एक 10 के नोट पे ये लिख दिया कि सोनम गुप्ता बेवफा है और फिर उस नोट की फोटो लेके किसी ने FB पे अपलोड कर दी और रातों रात ही ये 10 का नोट इतना ज्यादा वायरल हो गया कि हर जगह बस यही चल रहा था # सोनम गुप्ता बेवफा है। लाखों वीडियोस बनी इस टॉपिक पे और यहां तक कि जिन लड़कियों का नाम सोनम गुप्ता था उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हुई इस बकवास ट्रेंड की वजह से। महिला का नाम या एक लड़की का नाम इस तरह से कर रहे क्योंकि उसका समाज में जीना हराम हो जाएगा, वो क्या जवाब देगी? हमेशा औरतों का ही नाम उछाला जाता है तो मतलब कहाँ है आज़ादी? है ना, कहने जाते कि 60 साल से हमको आज़ादी मिल गई है पर महिला कहीं आज़ाद नहीं है। इस तरह का जो लिख रहे हैं क्योंकि अब उस लड़की को तो हर वक्त कई ताने मारे जाएंगे कि वो तेरे नाम से तो ये नोट भी बिक। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, इन आंटी ने हाथ में चाय का ग्लास लेके बस बोल दिया कि हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, बस इतने में ही ये पूरे इंडिया में छा गई और लोगों ने लाखों वीडियोस बनाई फिर इस ट्रेंड पे। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग चाय पी लो। हाय फ्रेंड्स चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो घरों में। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग चाय पी लो 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 चाय 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 चाय। तेरा घाटा, गजेंद्र वर्मा ने यूट्यूब पे एक सॉन्ग अपलोड किया था जिसका नाम था तेरा घाटा, उसके बाद इस सॉन्ग का सत्यानाश किया म्यूजिकली पे वीडियोस बनाने वालों ने। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। इसमें तेरा घाटा, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। यहाँ तक तो सब ठीक था पर हद तो तब पार हो गई जब इन 4 लड़कियों ने इस सॉन्ग पे वीडियो बनाई। इन्होंने इस वीडियो में इतनी घटिया और गंदी हरकत की है कि मैं आपको वो दिखाना भी नहीं चाहता, पर अगर आप YouTube, Facebook या WhatsApp यूज करते हैं तो आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिर काफी लड़कों ने भी इसी तरह की वीडियो बनाई और पूरे इंटरनेट पे गंद फैला दिया। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये वीडियो मजाक मस्ती में बना दी और हम भी अडल्ट और मेच्योर हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर इंटरनेट पे और ऐसे घटिया म्यूजिकली ऐप पे काफी बच्चे भी होते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का? चलो बच्चों को भी छोड़ो, जब तुम्हारे घर वाले या माँ बाप देखेंगे ये वीडियो तुम्हारी तो उन्हें कैसा लगेगा? अफसोस की बात तो ये है कि हमारे देश में ऐसी ही वीडियो वायरल होती है और ऐसी ही लड़कियां ट्रेंडिंग में आती है, पर जो लड़की देश के लिए मेडल लेकर आती है वो ना वायरल होती है और ना ही ट्रेंडिंग में आती है। जो काम मिल्खा सिंह और प्रीति उषा अपने टाइम में नहीं कर पाए वो आज 2018 में 18 साल की हिमा दास ने कर दिया, वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप की 400 मीटर की रेस में इंडिया को गोल्ड मेडल दिला के। तो ये थे इंडिया के 4 सबसे घटिया ट्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दी अमेजिंग लिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।